नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम्स के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से समास को पहचानना है। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताया गया है, एंड तक देखिए। मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समास में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे तारिक सरवर नाम से फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड वे में करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कई कोर्सेज अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जरूर से चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण कोर्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पूरा टॉपिक एक वर्ड में। तो आप पहले ये जान लीजिए कि समास होता क्या है। मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि समास होता क्या है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया प्रति दिन, ठीक है, तो यहाँ पर प्रति एक अलग शब्द है और दिन एक अलग शब्द है। जब दोनों को हमने मिलाया तो आ गया आपका प्रति दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लिख दिया गया है पूरा। तो दो या दो से अधिक, देखो दो शब्द हमने मिलाए तो दो या दो से अधिक मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, समास होते कितने प्रकार के हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो समास आपके छह प्रकार के होते हैं, ठीक है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, ये आपके छह प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। अब पहले हम जानते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। अब आप ये जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास में आपको पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। और प्रधान का मतलब आपको नहीं आएगा समझ में, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ। पहले पद में आपको अनु मिलेगा, आ मिलेगा, प्रति मिलेगा, भर मिलेगा, यथा मिलेगा, आवत मिलेगा या हर मिलेगा। आपको यहाँ कुछ भी दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या लगा देना है कि ये अव्ययी भाव समास है। कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, भर पेट, ये पूरा मिला के लिखा है भर पेट, तो इसका मतलब पहले आपको क्या मिल गया, भर मिल गया, तो आप भर से पहचानेगा कि यहां पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है आपका प्रतिदिन। अब देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रति अगर आपको दिख जाए आगे तो आपको कौन सा समास लगा देना है, अव्ययी भाव समास लगा देना है। तो यहां पर हो गया आपका प्रतिदिन, तो दोस्तों यहां से क्या पता चल रहा, यह कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है आपका आजन, देखो यहाँ पर आ लग गया, तो यहाँ से हम कैसे पहचान लेंगे, यहाँ पर लग गया आ, और मैंने आपको बताया कहीं भी आपका आ लग जाए तो वहाँ पर कौन सा होएगा, अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। तो अब इसकी कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे आपको समझ में तो आ जाएगा समास, लेकिन आपकी जो दिक्कत रहेगी वो बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में रहेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। बुक पढ़ लीजिए, बुक से भी आपको मोस्टली समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन आपकी क्रिएट रहेगी बहुव्रीहि में और कर्मधारय में। तो हम पूरी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में कुछ नहीं है, बस तोड़ने पर आपको है जो और के समान के हिंदी मिलती है, ठीक है जो या के समान की अपेक्षा क्या मिलती है, हिंदी मिलती है। कैसे, अब उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, इसका मतलब क्या है, कमल के समान चरण, तो देखो के समान आ गया आपका, अपने आप लिख लेगा, ये आपका समास नहीं, समान लिखा है, कमल के समान चरण तो क्या हो जाएगा, चरण कमल, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नीलकंठ, मैं बोल रहा हूं लिखा नहीं है, नीलकंठ इसका मतलब क्या है, कंठ है जो नील, कंठ है जो नील, तो देखो है जो की स्पेलिंग निकल गई या मीनिंग निकल गई, कंठ है जो नील, उसे क्या कहेंगे, नीलकंठ, तो यहां पर कौन सा समास होगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है आपका दिग्गु समास। अब दिग्गु समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, पहला पद जो होगा आपका संख्यावाचक होगा। अब यहां पर लिख दिया आपका त्रिलोक, त्रिलोक मैंने आपको लिख दिया, इसका मतलब क्या है, तीन लोकों वाला, और जब तीन लोकों वाला की बात हो गई तो पहला पद संख्यावाचक हो गया, और जब पहला सब पद संख्यावाचक हो गया तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा अपने आप, दिग्गु समास हो जाएगा। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब देख लीजिए, एक आता है आपका त्रिनयन,
ठीक है, अब सब बच्चे यहाँ पर आंख बंद करके दिग्गु समास लगाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने बताया कि जहां पर आपको पहला पद संख्यावाचक दिख जाए तो वहां पर आपको क्या लगा देना है, दिग्गु समास लगा देना है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने जो बोला मैं उसी बात पे कायम हूं, लेकिन त्रिनयन का मतलब होगा तीन आंखों वाला, और तीन आंखों वाले कौन है, शिवजी, और शिवजी एक भगवान है। जो भी जितने भी भगवान होते हैं मोस्टली वो आपके 99% कायम में गिने जाएंगे बहुव्रीय समास में। अभी बहुव्रीय समास आ रहा है, पूरे डिस्क्रिप्ट में मैं बताऊंगा। तो मोस्टली जो आपके भगवान आएंगे वो कायम में आएंगे बहुव्रीय समास में। अब आप कहेंगे दशानंद, दशानंद कौन है, दशा नंद या दशामुख, दशामुख कौन है दोस्तों, दशामुख हैं आपके रावण जी, ठीक है, जिनके 10 मुख होते हैं। तो दोस्तों ये भी कभी ना कभी एक भगवान के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, कौन, दशामुख। तो दोस्तों ये भी आपका देवी देवताओं में गिने जाएंगे या भगवान में गिने जाएंगे, तो ये भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीय समास होगा। हालांकि अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आपको दिख जाए जहां पर पहला पद संख्यावाचक हो, आपको कुछ नहीं करना है, दिग्गु समास लगा देना है। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों वाला दिग्गु समास, चौराहा, चार रास्तों वाला दिग्गु समास, सप्तसिंधि, सात सिंधियों वाला आपका दिग्गु समास, नवरात्र यानी कि नौ रात, नौ रात, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिग्गु समास। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि हाइफन दिख जाए आपको द्वंद्व समास लगा देना है। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर आपको हाइफन दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, द्वंद्व समास लगा देना है। लेकिन अब कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनमें हाइफन नहीं होता है, ठीक है, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड बनाएगा तो ऐसा वर्ड रखेगा जिसमें हाइफन ना हो और वहां पर होगा द्वंद्व समास। चलिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, देवासुर लिखा है जी। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा समास है, देवासुर में, देवासुर में द्वंद्व समास है और दोनों अक्षर एक ही साथ में लिखे हुए हैं। कैसे, देवासुर का मतलब क्या होगा दोस्तों, देवासुर का मतलब होगा आपका देव और असुर। अब आपको तो बताइए देव और असुर होएगा तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं पूरा अच्छे तरीके से। देखो नदी नाले, पहले तो आप ये सुन लीजिए, हाइफन है यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया, सुख दुख हाइफन है यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, हाइफन ये चिन्ह को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ठंडा गर्म, ठंडा गर्म हाइफन है आपको कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अब हाइफन नहीं आए तो आपको क्या करना है, पहली चीज लिख लीजिए कौन सी, कि अगर हाइफर ना हो तो उन दोनों अक्षरों के बीच आपको और जरूर मिलेगा, और अगर और ना मिले तो भी मैं आपको बता दूंगा जो द्वंद्व समास के दो दो अक्षर होंगे वो एक दूसरे के हमेशा विपरीतार्थक होंगे। कहने का मतलब ये देख लीजिए, सुख का विलोम शब्द आपका या विपरीत शब्द होगा आपका दुख, देख लीजिए आपके सामने बिल्कुल प्रूफ करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका ठंडा, ठंडा का बिल्कुल विपरीतार्थक आपका शब्द क्या हो जाएगा, गर्म, ठीक है। अगर आपको हाइफन मिल जाए तो द्वंद्व समास लगाने, बीच दो शब्दों के बीच में आपको और मिल जाए तो आपको द्वंद्व समास लगाने। अब और का एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, माता और पिता, देख लीजिए दोस्तों माता और पिता ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो इन दोनों के बीच में और लगा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बहुव्रीय समास। अब बहुव्रीय समास क्या होता है, बहुव्रीय समास क्या होता है दोस्तों, जिसमें हमें तोलने पर जिसका और जिसकी के शब्द अवश्य मिलेंगे यहां पर हम बहुव्रीय समास लगाएंगे, जिसका और जिसकी के शब्द 90% आपको मिलेंगे। कैसे, अब देख लीजिए उदाहरण लंबोदर, लंबोदर का मतलब है आपका लंबा है उदर जिसका, उसे बोलते हैं गणेश जी, ठीक है, गणेश जी लंबा, लंबा है उधर जिसका, उसे बोलते हैं गणेश जी, तो यहां पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीय समास। चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी, तो यहां पर होगा आपका विष्णु समास। अब आप खोई, अब सॉरी यहां पर होगा आपका विष्णु भगवान, तो यहां पर कौन सा बहुव्रीय समास होगा। अब आप सोचेंगे कि चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाला, अब यहां पर पहला पद संख्यावाचक निकल रहा है, और अगर संख्यावाचक निकल रहा है तो अभी आपने समझा है कि वहां पर दिग्गु समास होगा। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर हिंदी करने पर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो नाम है वो भगवान के नाम है, तो आपको बहुव्रीय समाज लगाने पड़ेगा, भले ही चाहे उसके ऑप्शंस में दिग्गु समाज क्यों ना दिया हो, ठीक है। बहुत गहराई से अध्ययन करके मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी ये, मेरी आपसे गारंटी है। कहने का मतलब ये है जितने भी आपके भगवान के नाम होते हैं 90%, जी हाँ दोस्तों 90% आपको जो भगवान के नाम होंगे वो बहुव्रीय समास में गिने जाएंगे। ना मानो तो किताब उठा के देख लीजिए, बहुव्रीय समास के उदाहरण देखना, कोष्टक में आपको भगवान के नाम लिखे होंगे, जैसे कि ये लिखे हैं गणेश जी, विष्णु, कृष्ण, ठीक है। अब चलते हैं हम तत्पुरुष समास की तरफ, तत्पुरुष समास।
अब तत्पुरुष समास को समझते हैं, अच्छे से समझेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास खुद 6 प्रकार का होता है जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको कारक आते होंगे तो आप ये तत्पुरुष समास 1 सेकंड में समझ जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं कारक तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो आज शाम तक ही मैं कारक की अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपका साथ मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिया एग्जाम्स के लिए एंड तक नहीं छोड़ूंगा। अभी 200 क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूँ ऐसे जो आपके एग्जाम हॉल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 200 क्वेश्चंस आज और कल की वीडियो में ला दूंगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कारक की वीडियो चाहते हैं कि नहीं। अभी अलंकार की वीडियो रह गई है, कई बच्चों की डिमांड आई थी अलंकार के लिए, तो वो भी वीडियो आपकी आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम से पहले मेरी आपसे बिल्कुल वादा है। ठीक है, अब देख लीजिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, अगर आपको ये याद है कारक तो आप आराम से निकाल। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो अब पीडीएफ आपको इंडियन स्टडी के ऐप पे मिला करेगी। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, डाउनलोड कीजिए, सारे टेस्ट लगाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सारे टेस्ट फ्री है, पूरी पीडीएफ फ्री है, उसके बाद जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा कुछ आपके ऐप के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में है। इसके लिए आपसे बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष, देखो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, सम्मन काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में या पर। अब ठीक है, ये आपके 6 होगा तत्पुरुष। कर्म को, ठीक है, कर्म तत्पुरुष कैसे कहते हैं, देखो गगनचुंबी, गगनचुंबी का मतलब है आपका गगन को चूमने वाला। देखो को का योजक चिन्ह मिल गया, को मिल गया, तो आपको यहाँ देखो ये चिन्ह है, आपको जरूर मिलेंगे, जो आपका को था यहाँ पर मिल गया आपको। देखो ये आपका को लिखा है, कर्म को, तो देखो ये मिल गया को, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। हालांकि अगर आपसे पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि कौन सा समास है, तो आपको तत्पुरुष समास लगेगा, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, ये मेरी आपसे वादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ। करण तत्पुरुष, सेज का जो प्रयोग होता है वो आपका जुड़ने के लिए होता है, जैसे भयाकुल, भय से आकुल, यानी कि उसके अंदर डर है, यानी कि उसके पास है, जुड़ा हुआ है डर, इसलिए तो वो भयाकुल है। अगर डर नहीं होता वो निडर होता। ठीक है, इसलिए भयाकुल है वो, और भयाकुल है तो जुड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, करण तत्पुरुष का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जुड़ने के लिए क्यों लिख दिया, क्योंकि अपादान का भी जो योजक चिन्ह होता है वो आपका से होता है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट है आपका संप्रदान, तो प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए आपको शब्द मिल गया, तो क्या उनका समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपादान, ये होता है से यानी कि अलग होने के लिए, धनहीन यानी कि धन से हीन, धन उनसे अलग हो गया, अलग धन उनके पास होता तो वो धनवान होता, लेकिन धनवान तो है नहीं है, ये धनहीन है, यानी कि धन इनसे अलग हो गया। जब अलग हो गया तो यहां पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष, संबंध में आपको काकी के जरूर मिलेगा, ध्यान रखना को नहीं मिलेगा, काकी के मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, को कभी भी नहीं मिलेगा, को मिलेगा तो आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, और काकी के मिले तो आपको क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। जैसे हमने लिख दिया राजपुत्र, जी आपका राजपुत्र लिखा हुआ है, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, देख लो दोस्तों का मिल गया आपको, जब का मिल गया तो यहां पर कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। और लास्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें लिखा है मैं यहां पर, तो उदाहरण के लिए लोकप्रिय, जैसे लोक में प्रिय, तो देख लो दोस्तों यहां पर मैं हो गया, तो कौन सा हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष। दूसरा उदाहरण है आपका आप बीती, यानी कि आप पर बीती, तो कौन सा हो जाएगा जे आपका अधिकरण तत्पुरुष। अब आप बताइए कि आपको समास आए कि नहीं आए, नहीं आए बताना, कल मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा केवल समास का, तो आराम से आप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है इंडियन स्टडी ऐप का, डाउनलोड कीजिए, पूरी पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में आप फायदा उठाइए। प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं 5 से 6, वहां पर आप बिल्कुल प्रैक्टिस दीजिए, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।